हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता, आवास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर एनर्जीज नेगेटिव हैं आपके घर की तो क्या करेंगे, और एनर्जीज नेगेटिव हैं ऐसे पता कैसे चलेगा। देखो, एनर्जीज जो नेगेटिव होती है ना, वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती हैं। घर में कोई आया, आपका घर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप सब लोगों के बीच में बहुत बन रही है, और मतलब कई बार होता है ना, किसी की इविल आई लग जाती है, उसके मन में से आपके अंदर से ऐसे निकला, अरे वाह। जैसे कहते ना, कई बार बोलते ना, हाय लग गई किसी की, या कोई ऐसा, ये हाई नहीं होती, बेसिकली क्या होता है, एक नेगेटिव इमोशन रिलीज करके गया वो पर्सन, आया, नजर लग गई किसी की। नजर लगना का मतलब क्या होता है कि किसी ने आपको देख के अपने अंदर से एक नेगेटिव इमोशन रिलीज किया कि ओह वाह यार, इनका तो सही है, मैं मतलब नेगेटिविटी रिलीज की, दैट इज कॉल्ड नजर, हाई एंड वट एवर यू कॉल इट। ये जो नेगेटिव इमोशन वो क्रिएट करके गया, अब इसने क्या किया, एनर्जीज को नेगेटिव कर दिया। अब जब किसी घर की एनर्जीज नेगेटिव हो गई, या किसी ऑफिस की एनर्जीज नेगेटिव हो गई, अगर घर की एनर्जीज नेगेटिव हुई तो क्या होगा, लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। घर की एनर्जीज नेगेटिव हुई, लोगों के घरों के बीचों मतलब घरों में झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। होता है कि नहीं होता है, कई बार आपने देखा होगा कि कोई आकर गया और बूम, होता है कि नहीं होता है, कोई आकर गया और आपके घरों में झगड़े होने शुरू हो गए, लोग बीमार होने शुरू हो गए। इट इज कॉल्ड, बहुत लोग इसको नजर बोलते हैं कि यार घर को नजर लग गई है, घर के सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, घर को नजर लग गई, घर में सारे लोग लड़ रहे हैं, सारे लोगों को अब दिमाग खराब हुआ पड़ा है। ठीक है, ये क्या है, ये एग्जैक्टली एनर्जीज नेगेटिव हो गई है। आपको पता है, हर किसी को इनफैक्ट पता है कि हर घर में कुछ एनर्जीज होती हैं। जब वो एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं तो घर में बढ़ोतरी होती है, और जब वो एनर्जीज नेगेटिव हो जाती हैं तो घर डाउनफॉल की तरफ जाता है। किस हर ऑफिस में, इनफैक्ट हर स्पेस में कुछ एनर्जीज काम करती हैं। जब वो एनर्जीज अच्छी होती हैं तो ऑफिस हो गई, शॉप हो गई, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में अच्छा होने लग जाता है। कस्टमर आएंगे, उनको अच्छा लगेगा, वो चीजें लेंगे, ऑर्डर करेंगे, क्लाइंट्स ऑर्डर करेंगे, क्लाइंट्स बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, ग्रोथ होगी। लेकिन जैसे ही उस जगह की एनर्जीज नेगेटिव हुई, ग्रोथ डाउनफॉल में जाने लग जाएगी। तो बेसिकली सारी की सारी जो चीजें हैं, जो एनर्जीज के राउंड एंड राउंड घूम रही हैं, वास्तु अपनी जगह है लेकिन एनर्जीज फिर अपनी जगह है। अगर वास्तु भी ठीक है लेकिन एनर्जीज उस घर की बिगड़ी हुई हैं, तो एट टाइम्स हमें देखने को मिलता है कि वास्तु करने के बावजूद भी चीजें वो रिजल्ट नहीं दे पा रही जो उनको देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, बहुत सिंपल है। अगर आपको असली लोबान, असली नागरमोथा, कागजंघा, गूगल, ये सारी चीजें मिलती हैं, तो आप इन सब चीजों को असली कपूर के ऊपर रखकर जला सकते हैं, अपने घर में जला सकते हैं। एंड यू फील एक्चुअली में कि यार एनर्जीज ना चेंज हो रही हैं। आप एक बार जलाकर देखो और आपको सचमुच में समझ में आएगा, विद इन मतलब जड़ी बूटियां बहुत सारी हैं जो आपके घर की एनर्जीज को अलग अलग पैरामीटर्स पर चेंज करती हैं, लेकिन ये सबसे मेन जड़ी बूटी है जो मैंने आपको बताई है अभी। इन एनर्जीज, इन जड़ी बूटियों को आप जलाओ, आपको जलाने के तुरंत बाद इसके इफेक्ट दिखाई देंगे, सीरियसली में इसके इफेक्ट दिखाई देंगे तुरंत बाद। जो इसमें से जो ये अलग अलग लेवल पर आपके सबकॉन्शियस माइंड पे अलग अलग लेवल्स पर काम करते हैं, आपकी साइकोलॉजी चेंज करती है, ये जड़ी बूटियों को जलाने का इतना ज्यादा प्रभाव है कि आपके साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को चेंज करते हैं, आपके अल्फा बीटा गामा लेवल पर जाकर आपकी जो एनर्जी वेव्स हैं उनके साथ हार्मनी बिठाती हैं। किसी के भी घर में अगर बहुत कलेश हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, बाहर कोई बीमार पड़ा जा रहा है, आप ये जलाना स्टार्ट कीजिए अपने घर में, एंड यू विल फील द डिफरेंस कि ओके नाउ थिंग्स आर, कैसे चीजें बदल रही हैं, कैसे चीजें चेंज हो रही हैं। और मैं आपको बहुत क्लियर बताती हूँ, बहुत टाइम से ना मैं असली लोबान, असली गूगल, असली नागरमोथा, कागजंघा और बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां थी जिनको ढूंढ रही थी। मेरे एक क्लाइंट है जिनका काम ही है ये सारा कुछ, तो वो मुझे लकीली कह लो या बाय गॉड ग्रेस बोल लो कि वो मुझे मिले, और उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन ली, एंड आई जस्ट गॉट टू नो कि अच्छा ठीक है, ये कहाँ कहाँ से आती हैं, ये जड़ी बूटियाँ कहाँ कहाँ से आती हैं, एंड ही हेल्प मी अ लॉट ये सारी जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने में। और ये सारी जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करके हम लोगों ने एक धूप बनाई है, एक धूप बत्ती बनाई है, जिसको जब आप जलाएंगे ना तो उसमें से ऐसा जैसे कोई बहुत सुगंध नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी जड़ी बूटियाँ हैं, तो बहुत ज़्यादा सुगंध नहीं आएगी जैसे कि आर्टिफिशियल धूप बत्तियों में आती है,
की परफ्यूम भर रखे होते हैं उनमें, ऐसी कोई आपको स्पेसिफिक सुगंध नहीं आएगी। ऐसे लगेगा जैसे कि आपने घर में हल्का सा हवन कर दिया है। आप सुबह और शाम एक एक धूपबत्ती जलाइए, ये सारी की सारी जो मतलब एक्चुअली मैं प्रीशियस जड़ी बूटियां बोलूंगी, ये जलाइए और आप अपने घर में देखेंगे कि एनर्जी चेंज हो रही है, अपने आप घर के लोगों की साइकोलॉजी चेंज हो रही है। क्योंकि ये जो जड़ी बूटियां जलाने से, हमारे शास्त्रों में बहुत वर्णन किया गया है स्मोकिंग थेरेपी का। अभी स्मोकिंग से ना दिमाग में एकदम से नाम आता है खाली पोल्यूशन का। हाँ, जो धूपबत्ती आप जला रहे हैं वो पोल्यूशन ही कर रही है, सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन कर रही है। लेकिन ये जो मैं धूपबत्ती के बारे में बात कर रही हूँ, इस धूपबत्ती को जलाने से कोई पोल्यूशन नहीं, बल्कि ये स्मोकिंग थेरेपी है। आपने जनरली देखा होगा कि आपने धूपबत्ती जलाई, फिर आप लोग बोलते हो कि अरे यार थोड़ा खिड़की दरवाजे खोलो, ये धुआं धुआं भर गया है। इसका धुआं आप सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लो, इसका धुआं आप अगर इनहेल कर भी लेते हो और करना भी चाहिए, ये बेसिकली आपकी बॉडी के लिए इतना ज्यादा पावरफुल है। आपकी बॉडी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी नेगेटिविटीज है, ये उनको रिलीज आउट करता है। और इसका धुआं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इसका धुआं बेसिकली धुआं ही नहीं है, ये स्मोकिंग थेरेपी है आपकी पूरी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, आपकी साइकोलॉजी के लिए। तो मैंने बहुत कोशिश करके ये बनाया है, देखते हैं कि किसका क्या क्या सारा वो रहता है। और मैंने जिन भी लोगों को अभी तक पर्सनली ये धूपबत्ती दी है, उनका रिव्यू तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अभी मैसिव तौर पर जब ये धूपबत्ती लॉन्च हो जाएगी, तब जो इसका रिजल्ट होगा वो अनडाउटेडली आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगी, लोगों के रिव्यूज शेयर करूंगी। अभी तो फिलहाल ये विद इन 7 days लॉन्च हो जाएगी, सब कुछ रेडी है, ईच एंड एवरीथिंग इज रेडी, बस इसको लॉन्च करना बाकी है। तो ठीक है, अगर आप ये धूपबत्ती लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, अपने घर में केवल जो 4 चीजें मैंने बताई हैं खाली वही जलाइए, उससे भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।